बोल ने सबसे पहले बताया, फिर मलिक रियाज का बयान आया। मारूफ बिजनेसमैन ने सोशल मीडिया पर वायरल ऑडियो को जाली करार दे दिया। कानूनी चाराजोई का ऐलान भी कर दिया। ट्विटर पर लिखा, प्रोपेगेंडे के लिए फैलाई जा रही है, अफसोस है। ऐसे मामलों में फैमिली को भी घसीटा जा रहा है। मैं किसी सियासी मुहिम का हिस्सा नहीं बनना चाहता। झूठ के पांव नहीं होते। मलिक रियाज की बेटी से मंसूब ऑडियो कॉल झूठी निकली। बोल कॉल की फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने ले आया। गुफ्तगू में कोई रब्त नहीं, मुख्तलिफ हिस्सों को जोड़कर कॉल की शक्ल दी गई। प्रोपेगेंडा मुहिम में बार बार मलिक रियाज के इस्तेमाल ने कई सवालात को जन्म दिया। फरुख हबीब का बोल न्यूज को खिराज तहसीन, ऑडियो की तरदीद कर दी। साबिक वजीर आजम और मुल्क की सबसे मकबूल जमात के सरबराह को गिरफ्तार करने का इरादा रखते हैं, और अगर हुकूमत का ये इरादा है और अगर वजीरे दाखला के ये इरादे हैं, तो तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ये बावर कराना चाहती है कि उसका एक शदीद रद्देमल आएगा कि ऐसी हरकत ये इम्पोर्टेड हुकूमत, मुसल्लत करदा हुकूमत करने का इरादा रखती है, तो आपने अपना रद्देमल फिल फौर देना है। इमरान खान को गिरफ्तार करने की हिमाकत की तो शदीद रद्द अमल आएगा। कारकुन एहतजाज के लिए तैयार रहें। शाह महमूद कुरैशी की राना सनाउल्लाह को वार्निंग। हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा, हुकूमत बड़े फैसले करने का इस्तेहकाक नहीं रखती। नाराजगी के डर से सस्ता तेल और गंदम नहीं खरीदी जा रही। तहरीक इंसाफ का पंजाब में जिमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने का ऐलान। कप्तान और खिलाड़ियों की बैठक में अहम फैसले। इमरान खान की गिरफ्तारी की सूरत में हिकमत अमली तैयार कर ली। अरकान का इस्तीफों की तस्दीक के लिए स्पीकर के सामने पेश ना होने का फैसला। इंतखाबात के अलावा किसी और ऑप्शन पर मुजाकरात नहीं होंगे। महंगाई मार्च का फैसला 15 जून के बाद होगा। एहतजाज मुल्क भर में जिले सतह पर होगा। इमरान खान की जान को शदीद खतरा। बनीगाला की सिक्योरिटी इंतहाई सख्त। पुलिस अहलकारों को तैनात कर दिया गया। गाड़ियों की सख्त चेकिंग। मशकूक अफराद पर कड़ी नजर। तहरीक इंसाफ ने अपनी प्राइवेट सिक्योरिटी भी सख्त कर। बिजली है ना पानी, महंगाई ने याद करा दी नानी। कराची तक खैबर आवाम की कहानी। शहर शहर लोड शेडिंग का जिन बेकाबू। दौरानिया 12 और देही इलाकों में 16 घंटे से तजावुज कर गया। आवाम शदीद अजियत से दो चार। पुराने पाकिस्तान में महंगाई का तूफान भी बिखर गया। सब्जी और फलों की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल। आटा चीनी घी और दूध के निरखों को भी पर लग गए। घर बनाना ख्वाब बन गया। पंजाब में तामीराती सामान मजीद महंगा। सीमेंट की बोरी 100 रुपए बढ़ गई, कीमत 1000 रुपए हो गई। रेत की छोटी ट्रॉली 2500 रुपए महंगी हो गई। नई कीमत 3500 रुपए से बढ़कर 6000 रुपए हो गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।